में भी बात कर रहे हैं, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 352 के स्टॉप के साथ। निलेश को भी ग्रैनुल्स पसंद आ रहा था, लेकिन निलेश ने अगला जो कॉल दिया वो अदानी पोर्ट है। अदानी पोर्ट में भी खरीदारी स्टॉप लॉसेस स्क्रीन्स पर आएंगे। गाबा सर कह रहे हैं टीसीएस पे दाव लगाया जा सकता है 3900 के स्टॉप के साथ। मानस ने कहा भारत फोर्ज एक इंपॉर्टेंट स्तर उसने फाइनली ब्रीच कर दिया है, शायद तेजी तूल पकड़े 764 के स्टॉप के साथ, उसमें खरीदारी करें। और भैती साहब का कहना है भाई एचडीएफसी बैंक के साथ साथ कोटक बैंक पर नजर रखिएगा, दिन के लोज से बढ़िया रिकवरी आ रही है और शायद उसमें खरीदारी करने के मौके हैं 1910 के स्टॉप के साथ, इसमें भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और इस समय HCL Tech थोड़ी थोड़ी हरकत दिखाने की शुरुआत करता हुआ आपको नजर आएगा। HCL Tech इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि आज बाजार बंद होने के बाद शाम उसके नंबर्स, तो हम मंडे को दरअसल HDFC बैंक और साथ साथ HCL Tech के नंबर्स पे खुलते ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक राय HCL Tech पर ले लेते हैं। आशीष बहिती साहब को जोड़ेंगे। आशीष जी आपके सामने प्रस्तुत है HCL Tech का चार्ट, एक जरा यहाँ पर चार्ट चेक कीजिए। वॉल्यूम 9% ज्यादा है और ओपन इंटरेस्ट 6.5% बढ़ा हुआ नतीजों से पहले। टेक में हम लोगों ने ताबड़तोड़ मोमेंटम पहले ही देख लिया, क्या कहता है ये चार्ट आपको? जी शैल सर, जिस हिसाब से आज इंट्राडे लेवल पे नीचे लेवल से अच्छी बाइंग दिख रही है, हमें लगता है कि इवेंट से पहले एक प्ले किया जा सकता है। आज इंफोसिस और TCS में भी एक अच्छी कंटिन्यूस फॉलो अप बाइंग दिखी और हमें लगता है कि ये यहाँ से अगर नतीजे अच्छे आए तो इसमें सिर्फ 1380 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1320 का SL लगाकर इसमें बाइंग की सलाह है। और आप देखिए नतीजों से पहले यहाँ पर क्या बढ़िया पोजीशनिंग है। जब तक आशीष जी यहाँ पर आंकड़ों की चर्चा करते हैं जो अनुमानित हैं, यहाँ पर आज के दिन का लो आशीष जी था 1293 और अब आप देखिए निफ्टी अभी भी लाल निशान में है, लेकिन यहाँ पर आपने 93 और 7 और 38 तो आप समझिए कि लगभग 46 अंक इसको दिन के लो से बढ़ता हुआ देखा है। तो एक्सपेक्टेशंस तो कुछ ताबड़तोड़ हैं। एक दिन पहले भी 4.5% के आसपास जी और वो इसीलिए आ रहा था कि ये लार्ज कैप आईटी पीयर्स में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे सब हैं, तो सारे रिच वैल्यूएशन, लेकिन पांचों में निफ्टी के पांच कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आईटी के, तो सबसे सस्ता वैल्यूएशन वाइज ट्रेड करता है 523 पीएस के हिसाब से, इसीलिए ले रहे कि आप देख रहे हैं HCL Tech में खरीदारी। और अब जब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि शायद आईटी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो HCL Tech में आप देख रहे हैं दिन के हाईज की तरफ अब काम का। एक्सपेक्टेड क्या है, डॉलर आए में क्यू ऑन क्यू 3.5% का उछाल, कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ 4.25% के आसपास डिलीवर करेगा, लार्जली प्रोडक्ट बिजनेस इसका ड्राइव करेगा उस रेवेन्यू मोमेंटम को। और HCL Tech में एक अच्छी बात, लास्ट क्वार्टर में दबाव था, तो लास्ट क्वार्टर में दबाव इसलिए था कि कुछ डील्स के रैंप अप में डिलेज हुए थे। अब एक्सपेक्टेड ये है इस 4.25% इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डिलेज जो थे अब वो दरअसल कमीशन होंगे सारे प्रोजेक्ट्स और उनका रैंप अप का अब इस क्वार्टर में इस कंपनी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। HCL Tech के मार्जिन भी करीब 50 basis points सुधरते हुए नजर आएंगे, नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। हालांकि एलिवेटेड एक्सपेक्टेशन तो सारी आईटी कंपनी से, देखना हो किस हद तक उस एक्सपेक्टेशन पे कंपनी डिलीवर कर पाती है। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा थोड़ी देर में HCL Tech की। दिन के उच्चतम लेवल पर TCS चलता हुआ, गाबा साहब की ये पसंद थी 3943। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी एक 4 crore की ब्लॉक डील हुई है, तो आप इस काउंटर पर और नज़र गड़ा के रखें। तो आशीष जी अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, अब तो आप सब लोग जूम कॉल पर जुड़ते हैं नतीजों के लिए, लेकिन एक ज़माना था कि आपको फिजिकली अर्निंग्स कवर करने जाना पड़ता था। तो HCL Tech हमारे नोएडा की तरफ की कंपनी है, तो तब मैं टेक कवर करता था तो मिलने जाता था नाडर साहब से जो कि इस कंपनी के मालिक हैं, और बढ़िया बढ़िया वो बातें बताते थे। सिर्फ अर्निंग्स के लिए वो वापस भारत आते थे और बाकी 3.75 महीने वो कैलिफोर्निया में रहते थे, और एक से एक बढ़िया वो कहानियाँ सुनाते थे कि मैं गोल्फ खेल रहा था बिल गेट्स के साथ और उन्होंने मुझे ये बताया कि इस तरीके से आप देखिए बाज़ार में IT का जो मेन बिजनेस है कि इस तरीके के ट्रेंड्स आ रहे हैं और इसीलिए हम धीरे धीरे अपने HCL Tech में क्या क्या बदलाव लेके आते हैं। तो वो जो उनके इनपुट्स थे वो मुझे अब तक याद। तो HCL Tech भाई, और हर बातचीत हर टिक के साथ मजबूती अब तूल पकड़ी, कहां फ्लैट था और अब 0.5% से ज्यादा के उछाल के साथ HCL Tech इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ठीक है बढ़िया TCS ने मार्क कराई था 0.25% की गेंद। टेक महिंद्रा को स्क्रीन पे लेकर आइए
अब वो भी 2.5% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। इंफोसिस तो खैर सुबह से ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है, निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूशन वाला प्लेयर रहा है, तो सारे टेक स्टॉक्स अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड। अब इस कुछ देर बाद राजेश अग्रवाल साहब जुड़ेंगे तो उनसे जरा टेक पे और डिटेल में चर्चा कर भी जुड़ गए, बताया नहीं आप अग्रवाल सर, सुन रहे थे क्या आप? तो ये टेक में आपका पैकिंग ऑर्डर क्या है अग्रवाल साहब? गुड आफ्टरनून आशीष जी, सहल जी और बाकी जो मित्रगण है। टेक की अगर पैकिंग ऑर्डर की बात की जाए तो पहले भी हमने कई बार चर्चा करी हुई कि पैकिंग ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ऊंचे पायदान पे, फर्स्ट पायदान पे अगर कहा जाए तो इन्फोसिस ही रहेगा, बावजूद इसके कि अच्छा खासा रन अब दिखा चुका है। लेकिन अभी जो फिलहाल हालिया नतीजे आए उस दिन तीनों कंपनियों के एक साथ, उसमें भी देखेंगे तो इन्फोसिस के नतीजे तीनों से बेहतर आए। विप्रो ने तो खासा निराश किया, एट्रिशन रेट थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट इनकी जो डील पाइपलाइन है या जो पिछले दिनों डील्स हुई हैं उन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है एक तो पहला स्टॉक जो इस पूरे क्षेत्र में देखना चाहिए वो इन्फोसिस का रहेगा, दूसरा टेक महिंद्रा का रहेगा जहां हमें लगता है कि जो 5G की लॉन्चिंग की बातें हो रही हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल में बहुत ज़ोरों से 5G में कई नई जगह पे लॉन्च होंगे, तो उससे सीधा फायदा टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों को होगा जो उस टेलीकॉम स्पेस में बहुत अच्छा काम काज कर रही है। तो फ्रंट लाइन की बात की जाए तो ये दो कंपनियां रहेंगी, और सेकंड रैंक की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बिरला सॉफ्ट में, जेंसा टेक्नोलॉजीज में, ऐसी कंपनियों पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक बात, तो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा ये प्रिफर्ड बेट्स हैं फंडामेंटली। हमने टेक्निकल तो कई सारे स्टॉक से चर्चा कर ली लेकिन फंडामेंटली अग्रवाल साहब को ये स्टॉक ज्यादा पसंद आते हैं। अग्रवाल सर, आपको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। कोलकाता में पतंगबाजी होती है क्या आज के दिन? देखिए, किसी जमाने में तो पूरी पूरी हुआ करती थी, बट अब ये कोरोना काल में पिछले 2-3 साल से लोग घरों में दुब के बैठे हैं और थोड़ा सा उत्साह उतना कम हो गया है जितना पहले हुआ करता था, बट थोड़ी बहुत तो अभी भी होती है। बट जैसा मैंने सुना है कि गुजरात में ये सबसे ज्यादा होती है, वो कभी स्कूल कॉलेज के जमाने में उड़ाई होंगी, इन दिनों तो मैंने नहीं उड़ाई है।